मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक और चीज, मुहर्रम के महीने को नहुसत वाला महीना समझा जाता है, जिसके बिना पर लोगों ने अपने माइंड में यह अकीदा बिठाया हुआ है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। करते हैं ना ऐसा, जब रस्म के लिए या निकाह की तारीख तय करने के लिए जब बैठते कैलेंडर जब निकालते हैं तो मुहर्रम छोड़ के देखे, शादी हॉल मुहर्रम में ज्यादातर खाली रहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मुहर्रम में निकाह करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, उसमें से 2 निकाह मुहर्रम के महीने में हुए हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अनु का खुद का एक निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ है। तो किसी महीने में, मैंने बात की इब्तिदा यहीं से कि किसी महीने में कोई नहुसत नहीं है, सारे दिन अल्लाह के। मुहर्रम के महीने के अंदर निकाह करना जायज है, नौसत की अलामत नहीं। बाकायदा ये अकीदा किया जाता है कि अगर इस काम, इस महीने में अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उस काम के अंदर नौसतें पैदा होती हैं और वो काम सक्सेस नहीं होता है, कामयाबी को नहीं पहुंचता है। लिहाजा दुकान की ओपनिंग इस महीने में नहीं करना है, घर की ओपनिंग इस महीने में, घर प्रवेश इस महीने में नहीं करना है, शादी ब्याह इस महीने में नहीं करना है। अगर डिलीवरी का टाइम मुहर्रम में आया तो क्या करेंगे? बच्चे के विलादत का वक्त अगर मुहर्रम में आया, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होंगी? क्या करेंगे, रोक पाएंगे इसे? तो खामखा के आका इसको उम्मत के अंदर फैला देना, इसका वबाल आपके सर आएगा, इससे बचने की कोशिश करें। मैं तो आगे बढ़कर यह कहता हूं कि अपने बच्चों के निकाह खास तौर पर मुहर्रम में तय करें, इसमें बहुत फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि उम्मत के अंदर ये जो बदअकीदी फैली हुई है ना, ये बदअकीदी खत्म हो जाएंगी। और दूसरा फायदा यह है कि इन महीनों में शादी के हॉल खाली रहते हैं तो जल्दी से आसानी से मिलेंगे। वो तो कई हफ्तों से कह रहा हूं कि शादी हॉल में मत करो, मस्जिद में करो, एक अलग बात है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है ना। अब जब करना ही है हॉल के अंदर तो इस महीने में करें। हो सकता है कि सस्ते में भी मिल जाए, कि भाई सीजन नहीं, ऑफ सीजन है, सीजन में हॉल क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो ये करने की कोशिश करें, कोई गुनाह नहीं है बल्कि सवाब का काम है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए।